हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप्ति और आप सभी का स्वागत है दीप्ति रेस्टोरेंट्स किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं मावा गुजिया, जिसके लिए मैंने यहां पर 300 ग्राम मावा लिया हुआ है। मावा को मैंने एक बार अच्छे से भून लिया है, स्लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक इसको मैंने अच्छे से भूना हुआ है। उसके बाद इसे कम्प्लीट ठंडा कर लिया हुआ है। अब हम इसमें अपने इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट है ये, इसको हम डाल देंगे 4 से 5 बड़े चम्मच। यहाँ पर मैंने ग्रेटेड कोकोनट डाला हुआ है और शुगर जो है हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में है काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता है। तो इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने रफली चॉप कर लिया हुआ है। पहले तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद हमें इसमें मिक्स करना है। ग्राइंड करने से क्या होगा, जब हम गुजिया को फिल करेंगे या ये स्टफिंग को हम फिल करेंगे, तब जो इसके बड़े पार्ट हैं, इससे गुजिया जो है हमारे टूटने का डर रहता है, इसलिए हम इसको ग्राइंड करके ही यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ है, इसको हल्का, एकदम हल्का सा मोटा मोटा ही ग्राइंड करना है, बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। और अब हम इसको फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पर इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मैंने बारीक भून लिया हुआ है और अब इन सभी चीज़ों को हम एक स्पून की हेल्प से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिश्रण को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अगर आपको आपका मिश्रण थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा और आप इजीली इसको फिल कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मैदा ली हुई है और ये मैंने लिया हुआ है रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, पहले हमें इस ऑयल के साथ मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो भुजिया हम बनाएं वो अच्छे से हमारी सॉफ्ट बने। इस तरीके से हाथ की हेल्प से हमें सभी मैदे में अच्छे से कोट कर देना है। थोड़ा सा और यूज करेंगे, मिक्स कर देंगे। मैदा जो है वो हमारी इस तरीके से बाइंड हो जानी चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी मिक्स करते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डालना है और इसे हमें सॉफ्ट डो के तरीके से तैयार कर लेना है। तक मैंने सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया हुआ है। 5 से 10 मिनट हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद हम गुजिया बनाना स्टार्ट करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैंने पूड़ियों को पहले से ही बेल कर रखा हुआ है। तो चलिए हम इन्हें भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी पूड़ी बेल कर तैयार कर ली हुई है। इसमें हम थोड़ा सा स्टफिंग रखेंगे, थोड़ा सा स्टफिंग रख लेना है। इसको दबाते हुए अच्छे से हमें सेट कर लेना है। अच्छे से दबा देना है ताकि जब हम इसे सेकें तो ये पार्ट जो है खुले नहीं। उसके बाद इसको थोड़ा सा डिजाइन देने के लिए मैं यहाँ पर स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया डिजाइन बनकर तैयार होता है। इस तरीके से हमें इसको डिजाइन कर लेना है। एक साइड से इसको उठाते हुए दूसरे साइड ऐसे चिपका देंगे। उसके बाद हम इसको डिजाइन देना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे ऐसे पलटते हुए इसको डिजाइन कर लेंगे। ये वाली डिजाइन की गुजिया बनाने से गुजिया आपकी खुलेगी नहीं, प्लस बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। हाँ, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। गुजिया जो है बनकर तैयार हो गई है, इसको भी हम प्लेट में बना लेते हैं। अब हम तीसरे तरीके की गुजिया बनाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर गुजिया मेकर लिया हुआ है। इस गुजिया मेकर को बनाने के लिए इसमें थोड़ा
थोड़ा सा बड़ी पूड़ी का इस्तेमाल करना है ताकि पूरा अच्छे से कवर कर जाए। उसके बाद हम इसमें स्टफिंग रखेंगे, ये बहुत ही ईजी है। और इसके बाद हमें इसे प्रेस कर देना है इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा पूड़ी है उसे हम साइड से इस तरीके से निकाल देंगे, अच्छे से दबा देना है ताकि अच्छे से लॉक हो जाए। गुजिया जो है वो बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने आपको तीन तरीके की गुजिया दिखाई हुई है, चलिए इसी तरीके से बाकी गुजिया को भी तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को यहाँ पर गर्म कर लिया हुआ है, ऑयल को हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। एक एक करके हम गुजिया जो है इसमें डालना स्टार्ट करेंगे और गैस का फ्लेम जो है वो हमें लो नहीं रखना है, लो फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। ध्यान रहे गैस का फ्लेम हमें हाई नहीं करना है। सभी गुजिया को डाल देंगे, स्लो फ्लेम पर हम इसे भून लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर गुजियों को उलटते पलटते हुए मैंने यहाँ पर इनको सेक लिया हुआ है। देखिए इस ट्रिक से बनाने से गुजिया जो है वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। देखिए बिल्कुल भी नहीं फटी हुई है, सभी बहुत ही अच्छे से सिक गई हुई है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर लगाया हुआ है जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसमें निकल जाएगा। सभी गुजियों को निकाल लेते हैं। अच्छे से गुजिया जो है वो सिक पर तैयार हो गई है, तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। गुजिया जो है वो बनकर तैयार हो गई हैं, बहुत ही बढ़िया गुजिया बनी हुई हैं। तो इस होली बनाइए मावा की गुजिया, और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी होली, थैंक यू।